वाओ, ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलते हुए हम बहुत ही ऑफ रोड है थोड़ा सा, लेकिन मजा आ रहा है। भाई केवलू भाई हैं क्या इधर? अरे हैं केवलू, आओ भाई केवलू भाई, यार हमारा सामान ऊपर जाना है, हरि भाई ने आपको भेजा होगा। दोस्तों ऐसे गाड़ी नीचे पार्क हो चुकी है क्योंकि यहाँ से जाना पड़ेगा आपको पैदल करीब कितना, केवलू भाई कितना ऊपर जाना है? आधा घंटा लेगा, आधा घंटा हम वॉक करके जाएंगे और मजा आने वाला है। वाओ क्या बात, कर रहे हैं दैट इज नॉट ए फाइव स्टार होटल, ये है और उसके और बहुत ही प्यारा है उसके भी सबसे। दोस्तों सांस गई है फूल क्योंकि ये रास्ता बहुत ही जटिल है और केवलू भाई हमको लीड कर रहे हैं, उनके पास हमारे सारे बैग्स भी हैं लेकिन वो नहीं, कुछ बैग हमारे पास भी है। हाँ रास्ता बहुत जटिल है और अभी अभी कम से कम आधा किलोमीटर और ऊपर चढ़ना है, आप देख सकते हो लग जाएगी पूरी तरह से, तब जाके हमारा होम स्टे आएगा जहाँ पे हम ठहरने वाले हैं आज। दर्शकों जैसा कि आप विजुअल्स में देख रहे हो कि हम लोग आए हैं, वो जो सामने दिख रहा है बिल्डिंग एक नीचे जो उस नदी पर है दैट इज कॉल्ड डैम, और डैम के पास ही गाड़ी हमने पार्क करा दी है और इस संकीर्ण रास्ते से हम होते हुए आ रहे हैं। करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं चढ़ते हुए और अभी 10 से 15 मिनट और जाना है वहां तक आगे। ऊंचे रास्ते पर चलते हुए पहुंचे हैं, अभी हमें जाना है वहां जहां पर हम स्टे करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एप्पल कॉटेज। आप देख सकते हो चारों तरफ से पहाड़ हैं और उसके बीच में ये बना हुआ है एप्पल कॉटेज जहाँ पे हमको जाना है। क्यों केवलू भाई कितना आगे है अभी? 5 मिनट में पहुँच जाएंगे, बहुत हाइट पे है भाई, बिल्कुल लग चुकी है अच्छी तरह से पैरों की। बस मुझे इंतजार है कि मैं कैसे एप्पल कॉटेज पहुँच जाऊँ और थोड़ा रेस्ट करें, कल हमें कौन कौन से प्लेसेस और अच्छे जो वादियाँ हैं वो विजिट करनी है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये लो जी एप्पल कॉटेज हम आ गए जहाँ पर हम स्टे करने वाले हैं। ये लो जी, हाँ जी कैसे हैं और सुनाइए सब ठीक ठाक? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दूसरी बार आओ जी, आओ लड़को आ जाओ। बाबा अखंडानंद कैसा महसूस हो रहा है बताओ? लग गई है लेकिन बहुत मजा आया बेसिकली, क्या बात है ना? सही बात, यहाँ पे हम अपने आप को ना एक्टिव और कर सकते हैं। बस ऐसे वर्कआउट करते रहो और अपना ये जो ये स्टमक है कम करते रहो, कोशिश यही रहेगी। बस ठीक है, नेक्स्ट ईयर हम जब मिलेंगे तो ये पक्का फ्लैट होगा पक्का जी। तो दोस्तों आ चुके हैं हम एप्पल कॉटेज के सेकंड फ्लोर पे, जैसा आप देख सकते हो। कैसे हो दोस्तों, आप कितने दिन से रुके हुए हैं यहाँ पर? अभी तीसरे दिन है। तीसरे दिन मजा आ रहा है और एक हफ्ते के लिए रुकने वाला। वेरी गुड, हम लोगों का भी यही प्लान है। थैंक यू सो मच। तो जी आ गए हैं हम अपने कॉटेज के अंदर, इट्स वेरी स्वीट, मजा आ रहा है। ये देखो पूरा वुडन है, छत भी जाने का रास्ता है। हाँ और ये देखो, क्योंकि जब भी आप मुस्टंडों के साथ अपने दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान करें तो जरूरी नहीं कि आप फाइव स्टार या रिजॉर्ट, लेकिन इस तरह के कॉटेज में रुकने का अपना ही एक अलग मजा है। ये है इनका एरिया और यहाँ से आप बाहर विजुअल देख सकते हो। तो दिस इज आवर लिविंग एरिया जहाँ पे हम थ्रू आउट द डे और नाइट चिल करने वाले हैं और अब मैं ले चलता हूँ आपको टेरेस पे। फिर
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि ये बहुत ही खूबसूरत शाम है और हिमाचल की वादियों में, और हम अपने टेरेस पे बैठे हैं और म्यूजिकल इवनिंग का जो आनंद हम सभी लोग बैठकर यहाँ ले रहे हैं उसका प्रतीक आप इस विजुअल के जरिए जान सकते हो, क्योंकि ऑल आर म्यूजिशियन हियर और कुछ दोस्त भी हैं हमारे दिल्ली से जो इस म्यूजिकल इवनिंग का आनंद ले रहे हैं हमारे साथ। तो राहुल भाई, नेक्स्ट क्या सुनाने वाले हो आप? क्या बात है, बहुत खूबसूरत आवाज। इस माहौल को देखते हुए इन पक्षियों की आवाज भी आप निकाल देते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। क्या बात है भाई, बहुत खूबसूरत। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा एक दिन चमकूंगा लेकिन सितारा हूँ। बहुत खूबसूरत। मायरे मायरे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। जब इस तरह की खूबसूरत म्यूजिकल इवनिंग होती है तो जो लोग सो रहे होते हैं ना वो भी जाग जाते हैं। तो भाई आप बहुत ही भंडो के सो रहे थे लेकिन म्यूजिकल एक्स्ट्रा वेकंजा के बाद आपने कैसा फील किया वो आप बता सकते हो। सुप्रभात दोस्तों, आज का दूसरा दिन और अभी हम कालगा से निकले हैं ट्रैकिंग करने के लिए। ये ट्रैक लगभग 12 किलोमीटर का, जिसकी चढ़ाई हमको करनी है सिर्फ 5 घंटे में। और ये जगह है बहुत ही सुंदर, उसके विजुअल आपको आगे दिखाएंगे, जिसको बोला जाता है खीर गंगा। आप लोग तैयार हो? बिल्कुल। जरा जोर से बोलो। ओए होए होए, कुदरत का बेहतरीन नजारा देखो दोस्तों। ये एक वॉटरफॉल है, दोस्तों ये इस वॉटरफॉल के ऊपर इन्होंने एक लकड़ी का एक छोटा सा ब्रिज बनाया हुआ है जिस पर मैं खड़ा हूँ इस वक्त। भाई बहुत ही अमेजिंग प्लेस है, मज़ा आ रहा है। देखो वहाँ से पानी बह रहा है, कल कल करता हुआ दूर पहाड़ियों से, और ये वाटरफॉल नीचे तक जा रहा है और उस जाके नदी में मिलता है। मज़ा आ रहा है आपको भी मेरे साथ, तो बने रहिए दर्शन जी वायलिनिस्ट के साथ हिमालय के दर्शन करने के लिए। भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रही है कि जन्नत सी मिल गई, जन्नत के द्वार पर खड़े हो तुम। आहा, ये पार्वती वैली की पहाड़ियां हैं भाई। तो ये हमारा दूसरा स्टॉप था खीर गंगा की चढ़ाई करते हुए। एक छोटा सा झरना मिला है, उसका आनंद ले रहे हैं। ये केव की तरह दिख रहा है,
ऐसे ऐसे रास्तों से ट्रैकिंग करके जा रहे हैं हम लोग, लेकिन इसका अपना एक अलग मजा है। पानी के बहाव से पार्वती वैली में ये पेड़ देखो गिरे हुए हैं, क्योंकि वहां से एक छोटा सा झरना आ रहा है। ओए होए होए, खतरनाक रास्ता है थोड़ा सा। और इस पेड़ की खास बात देखो कि ये बिल्कुल पहाड़ से लटका हुआ है इसकी जड़ें, और यह हवा में लटका हुआ पेड़ है इस तरह से देखा जाए तो। दोस्तों ये है बहुत ही खतरनाक वाली चढ़ाई और उतराई। तो दोस्तों देखिए कितनी खतरनाक उतराई है, और वापस भी हमें इसी रास्ते पे जाना है। क्या चढ़ाई होगी, बाप रे बाप। ये जो दूर देख रहे हैं आप, वहां से ये पानी आ रहा है उस पहाड़ से इस पहाड़ तक। और ये जो आप देख रहे हो ये तीसरा झरना है, अभी तक हम दो झरने पहले दोस्तों। तो भाई लोग कहाँ से आ रहे हो आप लोग बताओ जरा, ऊपर से कहाँ से? कैंपस से। अच्छा भाई लोग थके हुए हैं तो इससे आवाज नहीं निकल रही है। ये जो लाठी है ना स्टिक, इसकी बहुत सपोर्ट है जब भी आप ट्रैकिंग करें पहाड़ पे। हमारे सारथी का काम करती है ये स्टिक, और आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती है जब आप पहाड़ चढ़ते हो या उतरते हो। तो दोस्तों एक और खतरनाक रास्ता जिसमें मैं अभी उतरने वाला हूँ, ये पत्थरों के बीच में से है, कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं। ओहो, थोड़ा संभल के भाई, संभल के। और यहाँ जब भी आप आए तो भाई थोड़ा संभल के चले। वैसे बहुत मुश्किल है पहाड़ की डगर, पहाड़ पर चढ़ना, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि हौसले पस्त हो जाएं। मेरे जो कुछ दोस्त हैं जिनमें से दो लोगों के हौसले थोड़े से पस्त हो रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। मैं तो चल रहा हूँ। हाँ नहीं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, दो जो और पीछे रह गए हैं 1 किलोमीटर। तो आ गए मेरे वो दोस्त जिनके हौसले पस्त हो रखे थे। तो कैसा फील कर रहे हो भैया? एक पुच्छा जबरदस्त वाला। ओए होए, क्योंकि आपने ये दे दिया पूरा का पूरा हमें, और इसी से हम पूरा ट्रैक करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों कितने किलोमीटर आ चुके हैं आप ऊपर से? 6.5 किलोमीटर आ चुके हैं। तो कितने बजे चले थे आप सुबह? 9 बजे। 9 बजे चले हो वहाँ से? तो हमें कितना टाइम लगा ये बताओ ऊपर तक जाने में? टाइम बहुत है, अभी जितना आधा टाइम मतलब इसका 2 घंटे। चलो जवानो, वीर तुम बड़े चलो, और धीर तुम बड़े चलो। सामने पहाड़ हो और सिंह की दहाड़ हो, और वीर तुम रुको नहीं। तो दोस्तों मैं मिलवाता हूँ जो मेरे सुस्त भाई लोग थे, अब देखो कितने एक्टिव हो गए जब से थोड़ा सा मोटिवेट किया है इनको। कैसे हो वीर जवानों? मस्त मस्त, जिंदा इंकलाब, इंकलाब। 1 घंटे बाद थोड़ा सा हॉल्ट करेंगे, तब तक ऐसे ही चलते रहेंगे, क्योंकि ये जो मोटिवेशन है जिंदा रहना चाहिए भाई। सही बात। अब असली वाली चढ़ाई शुरू हो चुकी है, जिसका मजा अपना है। सीधी बिल्कुल, अभी मैं जैसे चल के आया हूँ तो आपने देखा होगा, और ये ऊपर जिग जैक चल रहा मामला पहाड़ के ऊपर, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर आकर लोगों के हौसले जो है बुलंद होने की बजाय मस्त हो जाते हैं, लेकिन स्टिल वी आर मोटिवेटेड। और मैं आपको भी कहूँगा जब भी ट्रैकिंग करें हमेशा अपना मोटिवेशन लेवल हाई रखें। तो दोस्तों ये एक और खतरनाक चढ़ाई, बहुत ही जो हैपनिंग जगह है वहाँ आ चुके हैं हम। ये
वाटरफॉल देख रहे हो, कमाल का वाटरफॉल है यार। चलो फील आ रही है, देखो पूरा पहाड़ इस पानी में काट दिया है, इस तरह से पानी का बहाव तेज है। लेकिन मेरी ये कोशिश है कितना भी तेज है मैं इसमें चिल जरूर करूंगा, इसमें जरूर नहाऊंगा। और अपने जो जितने भी दोस्त मेरे साथ आए अगर किसी ने मना किया उसको जबरदस्ती पानी के अंदर डाल दूंगा। तो दर्शकों मस्ती का दूसरा नाम है ये वाटरफॉल। अगर आपको रियली में मस्ती करनी है तो भाई यहाँ आपको आना पड़ेगा। तो भाई मेरे लिए ऑमलेट बेस बना रहे, क्या नाम है आपका भाई? अच्छा भाई शर्मा गए, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आ गया है मेरा गर्मा गर्म ऑमलेट, तो मैं इसका सेवन करूँगा। ये ऑयल फ्री ऑमलेट बनवाया मैंने सेहत के हिसाब से, क्योंकि वर्कआउट जो लोग करते हैं उनको थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों मैं उस वक्त पार्वती वैली की वादियों में वाटरफॉल के बाद, तो वहाँ नहाने के बाद में मुझे कभी तो बहुत कम टाइम थी, तो मैंने ऑर्डर कर दिया भाई ऑयल फ्री। भाई ने बहुत तगड़ा वाला बनाया, मज़ा आ रहा है। और मैं अभी कैसे बताऊँ, भीगा कच्चे में, क्योंकि कच्चा गया मेरा भीग, और मैं इसका मज़ा ले रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त फील आ रही है पहाड़ों को। हाँ बिल्कुल जो है कमाल का उम्र बनाया, हम जहां मजे कर रहे थे वो था अच्छा वाला वाटरफॉल। इतना ठंडा पानी, वो तो विजुअल्स आपने देख ही लिए हुए किस तरह से मैं वहाँ नहाया, भी मेरे दोस्त भी नहाए और हमने खूब मस्ती करी। करीब 3 घंटे का रास्ता, 2.5 से 3 घंटे का रास्ता और है। मेरा तो इरादा था कि भाई हम सिंगल डे में जाएं ऊपर चढ़ाई करें और नीचे आएं। जब भी आप हिल्स का प्लान करें ना, तो भाई आपके पास प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, और तसल्ली से आए बिल्कुल, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई कैसे भी कितने भी बजे उठना है, कितने बजे सोना है, फुल मस्ती, पूरे जो आपका स्केड्यूल रहता है नॉर्मल लाइफ में उससे अलग जाके जियो। और वो मज़ा तभी आएगा जब आप तसल्ली बख्श करोगे जो भी काम कर रहे हो। बैठे रहो तो बैठे रहो 15 मिनट, आधा घंटे, 1 घंटे वादियों के बीच में, तो आपको बेहतर फील होगा। और सबसे अच्छी बात, जो आपके लंग्स है ना, उनकी एक्सरसाइज बहुत तगड़ी हो जाएगी। मेरे की तो हो ही रही है, 12 किलोमीटर का सफ़र है, वो भी पहाड़ों पे, बमुश्किल रास्ते आते हैं कई बार, तो डर लगता है। और अभी अभी मैंने देखा कि वाटरफॉल का जो ब्रिज बना हुआ था लकड़ी वाला, उस पर कुछ पत्थर रखे हुए थे छोटे बड़े, उनको एक महिला पार कर रही थी तो वो बेचारी घबरा के गिर गई वहीं,
तो मैं दौड़ा उनकी तरफ और उनको थोड़ा सा बचाया, नहीं तो वो पानी के अंदर गिर सकती थी और उनको चोट लग सकती थी। तो इस तरह के जो मसले होते हैं जब भी आप ट्रैकिंग करते हो पहाड़ों पे, तो आपके जीवन में आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं कई बार। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई पहाड़ों पे जब भी आएँ तसल्ली से आएँ, कोई जल्दबाजी में नहीं। जहाँ आपका मन है रुकने का वहाँ रुक जाएँ, जहाँ आप खाना चाहते हैं वहाँ खा लें, और जहाँ भी कोई खूबसूरत वादी जो आए तो वहाँ पर रुक के उसका आनंद लें। हमारे साथ ये और हमारा गाइड ही समझो इसको, ये लीड कर रहा है रास्ता कि भाई कहाँ जाना है हमें, हमारा गंतव्य क्या है, बहुत कुछ क्या है। हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? बढ़िया बढ़िया, ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया जी। नमस्ते भाई जी। कितनी दूर है यहाँ से? और लगेगा कोई घंटा, अगर तो लगेगा एक घंटा और लग जाएगा, लग जाएगा अभी। चलो जी, कितने किलोमीटर है? मीटर तो फटा फुटा लगाए नहीं, ऐसे आईडिया है इतना तो है मेरे ख्याल। फुटा लेके नापा नहीं है ना, यहां होटल वाला पूछना है, बताएंगे उनसे, फुटा लेना पड़ेगा। हां तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं। ये कौन सा प्लेस है भाई? हेलो, आईसी गांव में ये कैफे है। हां, वीडियो मत बना। अच्छा सुनो मेरी बात, ये आप जो एंट्री करा रहे हैं, किसका एंट्री है भाई? जो टूरिस्ट आता है तो उसकी वजह से एंट्री जरूरी है ये। चलो ये बहुत अच्छी बात है यार, आपके पास रिकॉर्ड रहता है, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक और खतरनाक रास्ता, क्योंकि यहाँ से पानी बह रहा है, क्योंकि पानी का चश्मा ऊपर से आ रहा है, इसको पानी बहने से काफ़ी स्लीपी हो रहा है। तो जब भी आप आएँ तो थोड़ा समझ कर चले अपना और अपनों का। रास्ते कितने भी अलग हो, रास्ते कितने भी मुश्किल हो, लेकिन हर इंसान का एक कर्तव्य और एक उसूल होना चाहिए कि कभी भी परेशानियों से नहीं घबराना चाहिए। और ड्यूरिंग दिस ट्रैकिंग हमको जितनी परेशानी हो रही है हम जानते हैं, लेकिन उसका अपना एक अलग मज़ा है भाई। और ख़ास बात एक और है, पहाड़ पर चलने की बहुत ही विशेष बात है, वो बता देता हूँ आपको कि पहाड़ पर अपनी चढ़ाई बंदा खुद करता है, कोई उसको हेल्प नहीं कर सकता करने में, क्योंकि उससे ही अपने कदमों का प्रयोग करके चलना पड़ेगा पूरे ट्रैकिंग के लिए। अपनी चढ़ाई इंसान खुद करता है, कोई और दूसरा पहाड़ पे चलने में किसी कोई मदद नहीं कर सकता। मॉरल सपोर्ट दे सकते हैं, कोई भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग रुक सकते हैं, उनको सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन पहाड़ी आपको खुद ही चढ़नी पड़ेगी। ये है पहाड़ पर चलने का मज़ा, और एक मतलब बेनिफिट भी है और एक ड्रॉबैक भी है। जो लोग हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हैं उनको तो डेफिनेटली आना चाहिए यार। जब पैदल चलते हो पहाड़ पे तो आपकी थाइस के लिए थाइस स्ट्रांग हो जाती है, लंग्स परफेक्टली एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं, तो मज़ा आया अपना। और मैं तो ऐसा मौका छोड़ता नहीं, और आप मेरे ज़रिए इस तरह की प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा लेते हो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मेरा ब्लॉग देखने के बाद में जब भी कोई अगर आपको फील होता है कि हाँ कुछ आपने बेटर देखा तो कॉमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो मेरे चैनल पर जाके, दैट इज कॉल्ड दर्शन जी वायलिनिस्ट। तो दोस्तों एक और छोटा सा वाटरफॉल मिला हमें, जो कि इस पार्वती नदी में गिरता है जाके। पार्वती का भयंकर रूप आप देख सकते हो, पानी की आवाज़, पानी का शोर यहाँ तक आ रहा है। आपको लग रहा होगा नीचे के यहाँ बहुत छोटे से स्पेस में बह रही है पार्वती नदी, लेकिन पानी का प्रेशर आप देख सकते हो पहाड़ पर किस तरह से आवाज़ होता है, और ये बहुत गहरी है। और अभी तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे नदी के साथ साथ जो ट्रैक बना हुआ उसी पे हम चल रहे हैं पैदल और प्रकृति का मजा ले रहे हैं। ओहो, तो एक और वाटरफॉल। लो जी, बोतल हो गई है फुल, रास्ते में पानी पीने के काम आएगा। आ जाओ। इतने सारे जो
मिनरल्स इसके अंदर हैं जो एक पैक्ड बोतल में नहीं होते, जो एक आरओ के पानी में नहीं होते, वो सब इसमें मौजूद है। जैसे कि अब तक पहुंच चुके हैं हम करीब 8.5 किलोमीटर ऊपर, बस थोड़ी देर और। आहा भाई लोगों, अगर फेफड़ों की मरम्मत करनी है तो यार पहाड़ पे आ जाओ, ट्रैकिंग करो, चाहे वो 10 किलोमीटर की है या 20 किलोमीटर की, आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, पूरी तरह से रिपेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं पहाड़ पर, हाय हाय, क्योंकि जब तुम चढ़ाई चढ़ते हो ना तो सांस फूलती है, थोड़ी तो फूलती है। खैर मैं थोड़ा सा स्टेबल हो रहा हूँ। एक बात बड़ी ही कॉमन है ये पहाड़ के रास्ते और हर आम आदमी की ज़िंदगी में, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों के टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं, कभी ऊँचे कभी नीचे, कभी टेढ़े कभी मेढ़े, ऐसे ही हर व्यक्ति के जीवन में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो ये बात बहुत ही सिमिलर है दोनों में कि भाई जिस तरह से पहाड़ों की चढ़ाई करते हैं हम टेढ़े मेढ़े रास्तों की, ऐसे हमें ज़िंदगी की चढ़ाई भी खुद ही करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी आप पहाड़ पर चढ़ते हो तो आप खुद ही चढ़ सकते हो, ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती कि आप गाड़ी में जाओगे, तो ट्रैक ही ऐसा होता है कि बस वहाँ सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता है। तो ट्रैकिंग का बोझ आपको अपने ही कंधों पर उठाना है। कभी आप सोचने लगो कि नहीं भाई चल रहे हैं तो मेरा दोस्त मेरी मदद कर देगा चलने में, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी पहले से, समझ रहे हो ना। तो भाई क्या कहानी है, कैसा लग रहा है? दर्शन जी ने मोटिवेट करा और हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए, बस यही असली बात, नहीं तो हमारे बस की नहीं थी। बताओ अब कैसा फील हो रहा है कि अब तो आपने 80% जो ट्रैकिंग है कंप्लीट कर दी है, बस थोड़ा सा हो रहा है 15 से। मज़ा आ रहा है और बाकी आगे देखते हैं। अब थकान हो रही है? अब नहीं हो रही होगी ना भाई? यही है भाई, चाहे वो सफ़र हो या ज़िंदगी का सफ़र हो, जैसे ही वो आधा गुजरता है ना तो ज़िंदगी का मज़ा अपने आप आने लगता है। कि सुबह हम 3-4 लोगों में डिस्कस हुआ, मैं तो खाली बस एक अपना ये लेके चलना चाह रहा था पहाड़ों की वजह से, और एक मैंने अपने अंडरवियर रखा था, और बाकी किसी ने दारू की बोतल, किसी ने कुछ, और सब मेरा बैग खाली करवा के रख लिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कहा जी एक एक करके बैग ले लेना। हमने बोला हम अपना खाली एक ले जाने के लिए अंडरवियर लेने के लिए बैग क्यों उठाएंगे? सही बात। हमने बोला भैया जिसने लेना ले लो। और जब से आपने उसके बाद जैसे ही ये बात शुरू हुई, एक ने कहा मैं नहीं लूंगा, एक ने कहा मैं नहीं लेगा, बैग खाली हो गया। उसके बाद सब अपना अपना सामान उसमें अलग अलग कर लिया। फिर बाद में इनकी तो बैग टांग लिया, किसने मना नहीं किया ये भी तो बताओ। क्या पूरे रास्ते बैग टांग लिया? मैंने मना किया ना, पूरे रास्ते बैग टांग लिया तो ना, ये भी तो बताओ। तुम आयो तारीफ भी करो, तारीफ दीपेश जी आएंगे, दीपेश शशिधरन वीरेंद्र और ये मेरे को छोड़कर, और एक बंदा कह रहा गिटार का बैग भी लिया, और एक आदमी हमें कहता है यहाँ पर इतना ऊपर चढ़ने के बाद कि मैं गिटार भी लेकर आने वाला था तो गिटार ले आता हूँ सुबह, ये कह रहा था कि मैं नहीं चढ़ सब बैग पर लेकर चढ़ूंगा मैं भी। तो वो गिटार कैसे लेके आ सकता था? लेकर आ सकते थे आप, अब ये कह रहे हैं मैं ले आता। ले आते भाई तो वापस चले गिटार लेने, इससे पहले भी ट्रैकिंग अभी है ही नहीं, वापस गिटार लेने चले। कम से कम 1 घंटे की ट्रैकिंग की गिटार ले, और चलते चलते 4 से 5 घंटे हो गए, पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। तो कैसा फील कर रहे हो ये बताओ? अब कैसे ही बताऊं, तो शून्य ही हो गया हूं मैं। सो गाइस फाइनली वी आर हियर, जिस गंतव्य के लिए हम सुबह से चले थे, दैट इज कॉल्ड गंगा, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, और इसी कैंपिंग में हम रात को उठने वाले हैं, क्योंकि अब वापस जाना बहुत मुश्किल लग रहा है सभी के लिए। आई कैन ट्राई बट अंधेरा हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, तो रात में ट्रैकिंग करना मैं समझता हूँ इट्स नॉट सेफ, आपको भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल तो है ही, लेकिन पहाड़ पर जो भी चीज़ें मिलती हैं, और खाने की चीज़ें हो सकती हैं बहुत सारी चीज़ें, जितना भी मटेरियल ऊपर तक आता है खाने पीने का, वो सब कोई ना कोई तो लेकर आता होगा, कि हम लोग आते हैं हमें सर्विस मिल जाती है, चाहे थोड़ा महंगा ही मिले लेकिन मिल जाती है। तो वो जो सर्विस जो देते हैं वो इनके ऊपर जो घोड़े हैं छोटे वाले, कहीं इनको घोड़े बोला जाता है, कहीं इनको खच्चर बोला जाता है, उनकी पीठ पर लाद कर ये सामान लाया जाता है जो होटल्स या कैंप में प्रोवाइड किया जाता है। जानवर और इंसान दोनों बहुत ही अच्छे प्राणी हैं, लेकिन इंसान का दिमाग इतना डेवलप्ड है कि उसने दुनिया जहाँ की चीज़ें बना दी, लेकिन ऐसी जगहों पर जहाँ पहाड़ इतनी ऊंचाई पर सिर्फ
ये लोग चल सकते हैं जो हमारे लिए सामान लेके आते हैं। तो इंसान को कभी भी अपने आप को इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए, जहाँ तक उसकी हद है वो वहीं तक काम कर सकता है। लेकिन जानवर उस परिस्थिति में भी काम करता है जहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल है। इंसान को कभी भी एक दूसरे में फर्क नहीं करना चाहिए। देखा गया है कि लोग ना इंसान और इंसान में भी फर्क समझते हैं, धर्म के बेसिस पर, जाति के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर लोग काफ़ी विवादित कर देते हैं, मामले को बांट देते हैं इंसान को एक दूसरे से। और हम इंसानों को भी इंसानों के साथ एक समता का व्यवहार करना चाहिए। ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बनाया है, धर्म जाति तो उसके आने के बाद उस इंसान पर उस समुदाय के द्वारा लाद दी जाती हैं जिन्हें वो जीवन पर्यंत महसूस करता है, और उस तरह का ही उसका माइंड डेवलप्ड होता है जिस तरह के माहौल में वो पला बड़ा होता है। हम इंसान लोग जो कि अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और इंटेलिजेंट, अपने आप को बहुत बुद्धिमान बोलते हैं, कुछ जगहों पर हम इतनी गलती कर जाते हैं कि एक दूसरे में एक मतभेद का कारण बन जाता है। तो हमें नहीं करना चाहिए, हर संभव कोशिश करनी चाहिए कि समानताएं बनी रहें, एक दूसरे से प्रेम बना रहे, एक दूसरे का साथ हमेशा बना रहे। ओहो हो, तो दोस्तों ये है अपना डाइनिंग हॉल इधर खीर गंगा में, जहाँ पे हम कैंप में रुके हुए हैं, और ये है शिव सागर कैंपिंग, और जहाँ के डाइनिंग हॉल में भाई साहब अनलिमिटेड फूड की जो व्यवस्था करी गई है आंटी की तरफ से। कैसे हैं आप दीदी? ठीक है बेटा। बढ़िया, हाँ बढ़िया, सब बढ़िया। और देखो बीच में ये अंगीठी लगी हुई है, इसकी वजह से पूरा रूम जो है बहुत गर्म है। तो भाई लोगों कैसे लग रहा है खाना खा के आपको? मजा आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया भाई। देखो ये 100% वेजिटेरियन फूड मिलता है यहाँ पे। दीदी आप बताइए, आप तो रोजाना बहुत सारे अलग अलग लोगों को फेस करते हुए जो रुकते हैं आपके यहाँ, तो खाना मुझे लग रहा है देख कर ही कि बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। देखो चावल है और तीन सब्जियां हैं, दाल है, राजमा है, और एक ये कौन सी सब्जी है दीदी? ये आलू मटर की सब्जी। आलू मटर की सब्जी, बताओ यार इतने ऊपर आने के बाद और ये सब चीजें खाने को मिल रही हैं, देखो बहुत बढ़िया मिल रहा है। कैसा लग रहा है भाई? ऑसम फूड है, मजा आ रहा है। पुदीना चटनी, नेचुरल पुदीना चटनी। पक्का है पुदीने वाली चटनी? पिसी हुई। ओए होए, नॉट द मिक्सी वन। क्या बात है। और दीदी भाई, का राजमा। ओए होए, मैं अपनी प्लेट का भी दर्शन कराता हूँ आपको। देखो ये मेरी प्लेट लगी हुई है, पहाड़ का राजमा होता है ना, बहुत ही जबरदस्त होता है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना डिनर। भाई देखो ये जो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर जहाँ पर कोई फोर व्हीलर या टू व्हीलर नहीं आ सकता है, वो आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। उन सब के बावजूद अनलिमिटेड फूड मिलता है इस शिव सागर में। खीर गंगा जो है उसका ट्रेवल आप जब भी प्लान करें तो भाई शिव सागर कैंप में जरूर रुके, क्योंकि यहाँ का जो फूड अरेंजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ बहुत बढ़िया है। और वो दीदी जो है हमारे सामने, उनके अंडर सारी चीज़ें चलती हैं, और एक घर जैसा खाना मिलता है और घर जैसा माहौल मिलता है यहाँ पर। मैं अपना डिनर स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं बताता हूँ कि इस खाने में कैसी फीलिंग आ रही है। पहले मैं यार चावल और राजमा से शुरू करता हूँ। ये राजमा और मैंने चावल पर डाला भाई, दीदी के हाथ का बना हुआ राजमा चावल। ओए होए, मैं एक बाइट ले रहा हूँ। ओहो हो, बहुत अमेजिंग है। मुझे अपने मम्मी के हाथ के खाने की याद आ गई दीदी को देखकर, और दीदी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया। थैंक यू दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और इसी तरह पूरे देश विदेश की सैर मेरे व्लॉग्स के थ्रू करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग दर्शकों, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम हैं इस वक्त खीर गंगा कैंप एरिया में, और यहाँ से जो व्यू दिखता है 360 एंगल में, मैं ये अपना कैमरा घुमा के दिखा देता हूँ आपको। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से 360 का एंगल बनता है इस अमेजिंग प्लेस का। दोस्तों सबसे अमेजिंग बात मैं बताने वाला हूँ आपको इस प्लेस की, जो कहलाता है खीर गंगा। और यहाँ पर एक गर्म पानी का चश्मा है जिसका एक कुंड बनाया हुआ है और वहाँ से पानी निकल रहा है। प्रकृति का नायाब एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको, कि चारों तरफ आप देख सकते हो बर्फ ही बर्फ है।
और उसके बीच में ये गर्म पानी कहाँ से आ रहा है? नोबडी कैन इमेजिन दैट। और ये पानी बिल्कुल गर्म है, मैं चेक करके देखता हूँ। अरे वाह, जैसा गीजर में आप पानी गर्म करते हो वैसा पानी निकल रहा है यहाँ से गर्म। और मेरे दोस्त लोग नहा रहे हैं, मैं भी अभी थोड़ी देर में गर्म पानी का मज़ा लेने वाला हूँ। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, सुबह के 8 बज चुके हैं और हमने यहाँ पर कैंपिंग की रात। बहुत भारी ठंड थी और लोगों को दो दो कंबल ओढ़ के सोना पड़ा, तब जाके ठंड बची। और अब हम निकल चुके हैं खीर गंगा कैंप से नीचे कलघा की तरफ, जो कि हमें 12 किलोमीटर का सफ़र फिर से तय करना है और करीब 4 या 4.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि अब तो उतरना है, अब चढ़ना नहीं है। दोस्तों पहाड़ों के पेड़ों के बारे में एक बहुत ही ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हो बिल्कुल पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ है। अब इसने जब से ये छोटा पौधा हुआ होगा तब से अब तक का कितना बड़ा सफ़र तय किया है, पत्थर पे उगा है ये। जबकि जनरली देखा जाता है कि हम अपने गमलों में पौधे लगाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद मर ही जाते हैं, और उनको कि भई इसमें खाद लगाओ, कि इसमें कीटनाशक छिड़को, जबकि पहाड़ों पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये प्रकृति की गोद में इतने फल फूल जाते हैं इतने प्यार से, ना इनको किसी पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, ना किसी खाद की ज़रूरत है, ना ही पानी की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति की गोद में ये सब चीज़ें इनको निःशुल्क मिल रही हैं और ये उस प्रकृति के खजाने का आनंद लेते हुए ग्रो हो जाते हैं। तो अगर आप पहाड़ों में हैं और बारिश ना हो और बारिश का आनंद ना लिया आपने तो कुछ नहीं लिया। जबरदस्त बारिश होती हुई और इस सामने देख रहे हो सेब का बाग है पूरा। जब भी मैं स्टेज प्रोग्राम्स होते हैं तो लड़के लड़कियां झूम रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। अभिजीत का स्टेज पे देखा, लड़कियां रो रही हैं। हाँ। तो आई यूज टू से पागल लोग, ये बच्चे पागल हैं। आज मुझे वही फीलिंग इसकी आवाज सुन के मुझे लगा नहीं वो पागल नहीं, मेरी सोच गलत थी। गाइस आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस गाय, you know, I would say we are friends from yesterday. तो Mr. Ashok Anant ji in the house और stage is yours now, okay? अरे नहीं, अरे उनसे पूछिए। नहीं, मैं इस प्रकरण पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मुझे इतनी अच्छी हिंदी समझ में नहीं आती। आप बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, वो मैंने ऊपर भी सुन ली थी, आज भी सुन रहा हूँ। ऊपर जब खीर गंगा में आप इनका इंटरव्यू ले रहे थे जी, तो आप बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, मैंने समझा आप पत्रकार हैं। अच्छी नहीं, शुद्ध। हाँ, शुद्ध हिंदी, अच्छी हिंदी बोलते थे। अशुद्ध। मैंने समझा आप पत्रकार हैं, बाद में पता चला आप कोई जादूगर कलाकार हैं, फिर पता चला कि कलाकार हैं, फिर मैंने देखा ये मंडली कोई बेकार है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जानने की जब कोशिश की तो एक एक पद निकला, जानने की कोशिश की तो बड़ा मजा आया। नहीं उदास नहीं, बस यही चुप सी लगी।
मेरी बेटे की शादी थी तो बच्चे को बाप की हरकतें पता होती हैं, तो आया कॉकटेल पार्टी थी जब मैं ही एक रिसोर्ट में जी, तो बड़े सीरियस मूड में आया, कहता पापा जी रिश्तेदार आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, छोटे लोग रहे, नागन डांस मत करना। मैंने कहा बच्चे कोई बात नहीं है, लेकिन उनको बोलना बी नहीं बजाना, अगर बीन बजी तो नाक निकलेगा ही निकलेगा। तो हुआ क्या, मैं बड़े आराम से अपने दोस्तों के साथ कुछ, मैंने कहा यार डेकोरम है, बच्चे की शादी है, क्या समझेंगे बाप ऐसा है ये ऐसा है, मैं बैठा हम दोस्तों के साथ बात, इतने में वो ऑर्केस्ट्रा जो मैनेज कर रहा था उसने बीन बजा दी। फिर जो नाक निकला और जान जहां से निकला, तो मेरे भांजे की शादी थी, होने वाली थी, उसकी बीवी बोलती ये जो सब नाक कौन था, कहता मामा था मेरा। मैंने कहा अगर देखो मैं अच्छा भला गा रहा था, पता नहीं किसने उंगली ले ली, ए बीन बुझाओ तो नाग निकल गया, निकल गया निकल गया जी पूरा, बीन बुझाओगे तो नाग झाड़ियों से जंगलों से निकल के आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही बात, सही बात। क्या बात है, क्या बात है। ये इन्होंने नागिन डांस किया तो इन्होंने थ्री पीस पहना हुआ था, थ्री सूट पहना हुआ था जी, तो इनका कोट मेरे इधर था, तो ये डांस करके आया था, कहना मेरा कोट कितने, मैं पता नहीं ये आगे पीछे ढूंढने लगा, मैंने पकड़ाया मेरे को, तो आधे घंटे बाद मेरे को ऐसा लगा यार मेरे को बाहर लग रहा है, मैं डांस कर। अनंत साहब तो वो नागिन डांस ही होगा फिर, वो जिसपे कोट उतरा था। हाँ बिल्कुल नागिन डांस था, और हमने बड़ी कोशिश की नाग को पकड़ ले, लेकिन ये नाग हाथ में नहीं, हाथ नहीं आया। मैंने कहा था बीन नहीं बजानी जी, अगर बीन ना बजे तो मैं आराम से खा पी के सो जाऊं, बिस्तर पे सो जाऊं, अगर मैं बिस्तर पे सो रहा हूं, अगर आपने बीन बजा दी तो बिस्तर से नाग वापस फिर नहीं वो छोड़ेगा, और वो कहां कहां से निकलेगा, टांगों में से, इधर से, उधर से, टेबल के नीचे से, तो वो कहता है पापा जी नागिन डांस मत करना। मैं क्या पाके बीन बजी तो नाग निकलेगा ही निकलेगा। वैसे आपका जो है बीन का जो साउंड है उससे काफी गहरा लगाव लगता है। गहरा। मैं पिछले 7 जन्मों से भटका हुआ सांप, अपनी नागिन का इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ वो मुझे मिले, हो सकता है अगले जन्म में मिल जाए, हो सकता है इसी जन्म में मिल जाए, एक छोटी नागिन मुझे मिल गई है, छोटी नागिन मुझे मिल गई है, लेकिन इससे भी बड़ी नागिन का मुझे बीन नहीं बजनी। कहने का अच्छा, मतलब इस बात से एक बात साफ सामने आती है कि बीन से जो बीन की जो साउंड है उससे आपका लगाव जो है काफी पुराना लगता है मुझे, क्योंकि जहां भी आप बीन बजती सुनते हो अपने कानों से, चाहे वो 4 किलोमीटर हो या 40 किलोमीटर, और आपके पांव थिरकने लगते हैं उस पे, ऐसा ही लगता है मुझे। और आप माहौल कैसा भी हो, जहां बीन की साउंड सुनाई दी वहां नाग जैसे आएगा ही आएगा, क्योंकि हम अपने सामने जम्मू कश्मीर से एक ऐसा सांप देख रहे हैं इंसान के रूप में, जिसे कान भी है जो हर म्यूजिक सुन सकता है। यस। और यही खास बात है जिसकी वजह से जहां भी नागिन धुन सुनाई देती है वहां पर हमारे प्रभु जी पहुंच जाते हैं, तो अपना नाग प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं तुरंत, आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और आप पे तो शिव जी महाराज की बहुत ही बड़ी अनुकंपा है, महादेव जो आपके साथ हैं, गुरु है। दिल की बात सुनने वाले हमेशा
पागल क्यों होते हैं? पागल क्यों होते हैं या जिंदगी की जंग क्यों हारते हैं? अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है और ये हर इंसान की लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने एक एज में, जो उसकी खूबसूरत एज होती है, उसमें कभी ना कभी किसी के प्यार में जरूर पड़ता है। आपका सवाल जो है वो इन सब बातों से रिलेटेड बात सुनने वाला। हाँ। और प्यार वही लोग कर सकते हैं जो दिल की बात सुनते हो, और जो लोग दिमाग से सोचते हैं वो कभी प्यार नहीं कर सकते, वो सिर्फ छल कर सकते हैं। दिल कभी भी किसी इंसान के प्रति गलत व्यवहार करने की जो धारणा अपने मन में नहीं पालेगा, वो हमेशा, दिल हमेशा सच्चा होता है और वो सही चीज सोचता है। सिर्फ एक दिमाग ऐसी चीज है, उसको उसको बताता है कि नहीं तू ये मत कर, ये कर। दिमाग दिल पे हावी होता है तभी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो दिल का सच्चा आदमी होता है वो हमेशा टूट जाता है, क्योंकि वो चालाकी नहीं कर सकता। और जो चालाक लोग होते हैं दिल के ऊपर पैर रखकर अपना काम निकाल ले जाते हैं। अरे वाह, क्या बात। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज का ये हमारा तीसरा दिन है कलगा विलेज में, और मैं हूँ, ये एक पॉइंट बनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा रॉक है, दैट इज कॉल्ड हिल टॉप, और हिल टॉप से कलगा विलेज का पूरा जो एम्बियंस है वो आपको देखने को मिलेगा। पूरा दूर तक ये चारों तरफ से पहाड़ियों से ढका हुआ है कलगा विलेज, और यहाँ से बनता है 360 व्यू, जैसा आप देख सकते हो ये वाला, और नीचे हमारा होटल है जहाँ हम रुके हुए हैं, और जो दूर सामने आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड तोश विलेज। और तोश विलेज के बारे में लोग जानते होंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, उसके बारे में रिवील करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लोग समझ गए होंगे कि क्या मिलता है। और ये सामने आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल हिमालय की तरह चमकती हुई पहाड़ियाँ, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है ऊपर देखो, और वही पहाड़ है वो जहाँ से हम कल आए थे वापस ट्रैकिंग करके। और ये दूसरा पहाड़ आप देख रहे हो, यहाँ पे भी बहुत सारी बर्फ़ जमी हुई है, सामने देखो ये वाला। तो कलगा विलेज का वेदर और वादियाँ, जो ये पूरी पर्वत श्रृंखला है आप दूर तक देख सकते हो कि जो 360 व्यू बनता है यहाँ पे, जैसा कि लोग बोलते हैं, और मुझे भी देखने में लग रहा है कि कम्प्लीटली 360 व्यू आ रहा है। तो दोस्तों मैं मिलवाता हूँ मेरे बहुत ही प्यारे अजीज दोस्त, जिसने कि पूरा थ्रू आउट द 4 डेज जो जितना भी वीडियो शूट किया है मेरे भाई ने किया है, और ये है मेरा भाई दीपेश शशिधरन। बहुत ही प्यारा इंसान है, बहुत ही मेरा मतलब भाई, मेरा दोस्त, मेरा यारा, मेरा चड्डी बड्डी सब कुछ यही है। और इसने जो वीडियोग्राफी करी है, जितनी भी जो भी मैं ट्रैवल किया है, ट्रैकिंग किया है, जितना भी मैं यहाँ पे घूमा हूँ पिछले 4 से 5 दिन में, वो सब भाई ने कैप्चर किया है, और बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियोस बनाए हैं, डिफरेंट एंगल से लिए हैं। स्पेशल क्रेडिट गोज टू मिस्टर दीपेश शशिधरन, मेरा यारा, मेरा दोस्त, मेरा दुलारा। बोल जाए दोस्तों, एक बहुत ही विशेष बात बताने वाला हूँ आपको, पहाड़ों की एक बहुत विशेष बात बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि मेरे सारे दोस्त ना ये गेम खेल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि काम कुछ होता नहीं है जब भी आते हैं देशाटन पर, और पीने के बाद, भंड होने के बाद, तो सिर्फ ये ही गेम रह जाता है, इनको लगता है कि हम गोल्फ खेल रहे हैं। ये देखो बैठी है।
रैंडमली जब दोस्त बनते हैं ना तो उनके बिछड़ने का गम इस फुटेज के जरिए आप देख सकते हो कि किस तरह से सब लोग आज अपने अपने गंतव्य को वापस जा रहे हैं। और यहाँ हम सब लोगों ने 4-5 डेज बड़ी मस्ती से गुजारे और नए दोस्त मिले, चाहे वो सीनियर सिटीजन है लेकिन हम भी एक दिन सीनियर सिटीजन होंगे, तो ये यादें हमारे साथ जिंदा रहेंगी हमेशा के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया अंकल भाई की मुख्य भूमिका इसमें, गौरव भाई जवाब नहीं और मेरा सही बात, तुम्हारा तो स्पेशल रोल है भाई। सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त मस्ती करी, मजा आया। और मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर से कि हमको फिर से एक बार मिलाए जल्दी ही, और जिस तरह के हम जो अपने मजा किया है ड्यूरिंग दिस ट्रैकिंग और जो भी स्टे हमने रखा है यहाँ पे साथ में, जो भी परफॉर्मेंसेस देखी आपने उसका बहुत बहुत मजा आया और आप लोगों का साथ बहुत ही अच्छा लगा। शुक्रिया दोस्त इस पूरे अमेजिंग हफ्ते के लिए जो हम यहाँ 5-6 दिन रुके हैं और नए दोस्त बने हैं, नए लोगों के साथ में नया एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। इधर लोगों के एक दो बच्चे होते हैं, हमें इतने सारे बच्चे मिले, क्या बात है। थैंक यू सो मच अंकल। तो हिप हिप हुरे, और हम मिलेंगे आशीष भाई से भी मिले, इनका भी साथ रहा और इनसे मुलाकात, इन्होंने अच्छा ट्रैक किया, बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि हम लोगों का ये पहला एक्सपीरियंस था इस तरह से उस जोन में जाने का, ठीक है। उससे ज्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता, आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ और दर्शन जी वाली ने इसके साथ दुनिया के दर्शन करते रहिए। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप कर लें, क्योंकि वायलिन ट्यूटोरियल के साथ साथ जहां भी मैं एक्सप्लोर करता हूं उसके वीडियोस एक ब्लॉग के जरिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, तो उसको भी आप लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। या